आरोपों को लेकर जिला जेल प्राधिकरण को सौंपी शिकायत। पथरिया विधायक के देवर का नाम आया सामने, जेल प्रबंधक और विधायक ने नकारा। विभिन्न मामलों में चर्चा में रहने वाला जिला जेल एक बार फिर से चर्चा में है। जेल में अनैतिक कार्यों, महिलाओं के आने जाने एवं मादक पदार्थों, शराब, गांजा जैसे चीजों की बिक्री का प्रहरी राम कुमार साक ने आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि जेल के कैमरे भी कुछ समय के लिए बंद किए जाते हैं। उन्होंने एक लिखित शिकायत विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र के माध्यम से भेजी थी, जिससे मामला तूल पकड़ गया। अब जेल प्रशासन ने अपनी सफाई देते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। जेल प्रबंधन ने कहा, प्रहरी राम कुमार साक पहले से विवादित है और उसके विरुद्ध विभागीय जाँच लंबित है। CCTV कैमरों को लेकर प्रबंधन ने कहा कि पूरे कैमरे हर समय चालू रहते हैं और एक माह तक की रिकॉर्डिंग की जाती है। तरिया विधायक रामबाई ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए जनता के बीच उनकी छवि को खराब करने के उद्देश्य से विपक्षियों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। जेल के एक प्रहरी ने आरोप लगाया है कि जेल में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सर क्या कहना है आपका, क्या है? राम कुमार प्रहरी, जो राम कुमार शक प्रहरी है, वो स्वयं विवादित प्रहरी है। उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच लंबित है। अनूपपुर जेल में अटैच था। उस समय उसने बंदियों के परिजनों से पैसा फोन पे से पैसा लिया था। उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो सस्पेंड हुआ था और उसमें विभागीय जांच चल रही है। दूसरा, उसके विरुद्ध दो आपराधिक प्रकरण भी दर्ज थे, जिसमें से एक में फैसला हुआ है, दूसरे में अभी भी प्रकरण विचाराधीन है और उन प्रकरणों में भी विभागीय कार्रवाई भी चल रही है कि वो प्रकरण अगर साबित होते हैं तो इसको बर्खास्त किया जाएगा संबंधित सिपाही को। और दूसरा ये कि वो भोपाल जेल, जहाँ से भोपाल जेल अटैच करने के कारण द्वेषपूर्ण भावना से उसके द्वारा ये शिकायत की गई है, जो पूर्णतः मिथ्या, निराधार, असत्य है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जिस कुछ प्रहरी, जैसे ऑफिस वाले प्रहरी हैं या कोई प्रमुख मुख्य प्रहरी है जो छुट्टियों को देखता है या छुट्टियों के बारे में काम करता है, वेतन देखता है, तो वो समय पर यदि उनने काम नहीं किया तो उन पे ये दबाव डालता था, नहीं काम किया तो इस द्वेषपूर्ण भावना से उनके उसने नाम लिख दिए कि वो भी ऐसा करते हैं। और जबकि यहाँ पर जेल में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, सभी लोगों की विधिवत तलाशी होती है, प्रतिदिन एक बैरिक की तलाशी कराई जाती है, माह में समस्त बैरकों की एक बार तलाशी कराई जाती है, प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी कराई जाती है। इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है, जिस तरह से उसने जेल की छवि की धूर्मिल करने के लिए इस तरह से आरोप लगाए हैं, बिल्कुल मिथ्या, निराधार है, असत्य है। जहाँ तक माननीय न्यायालय को यदि उसने आवेदन प्रस्तुत किया है तो माननीय न्यायालय द्वारा जाँच की जाएगी और उसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि दोषी है या निर्दोष है, दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर उसने कैमरे बंद कहने का आरोप लगाया है, कैमरा बंद हो जाते हैं? नहीं, कैमरे कोई व्यक्ति नहीं बंद करता है, कैमरे हमेशा चालू रहते हैं, 24 घंटे चालू रहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी एक महीने तक की रहती है। और कुछ कैमरे ऐसा है कि यहाँ जेल में कुछ चूहे कभी ऐसा है कि कुछ जगह काट देते हैं, तो वो कैमरे अगर बंद हो जाते हैं तो उसको दुरुस्त कराया जाता है। विधायक जी, जेल में कुछ अनैतिक कार्यों को लेकर आरोप लग रहे हैं, आपका नाम भी उसमें जोड़ा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है इस मामले? देखिए, जेल में जो हमारा नाम जोड़ा जा रहा है और हमारी छवि खराब की जा रही है, ये सारे आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं और चुनाव नज़दीक है, इसीलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए गए हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमने आज तक जनता के प्रति सदा काम करो है, ईमानदारी से करो है, दिल से करो है। और इसी चीज़ को लेखें जो हमारी छवि है क्षेत्र में और हमारी जो बहुत अच्छी स्थिति है क्षेत्र में, इसको धुंधली करवे के लाने और जनता को भ्रमित करवे के लाने ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने जो शिकायत करी है वो व्यक्ति खुद 1.5-2 महीने से भोपाल में अटैच है और अनूपपुर में खुद पैसों के आरोप में सस्पेंड, वो खुद रहा। और दूसरी बात, इसी में जेल के ही कर्मचारियों की उसने शिकायत की है, इन निराधार बिल्कुल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और आज हम पूरे पथरिया की जनता और दमोह जिले की जनता से
आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से खबर दे, वो चाहत हैं कि हमारे प्रति सारी षडयंत्र रचाए जा रहे, हमारे लाने तोड़वे के लाने, हमारे लाने परेशान करवे के लाने, हमारी छवि धुंधली करवे के लाने। आप लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल ना दें जो झूठे हैं और झूठे सामने लाए जा सामने करके हमारी छवि बन जो बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। आप लोग सच्चाई को देखें कि सच्चाई का है और का सही है। हमारे लाने परेशानी की शुरुआत कर दी गई सब लोगों के द्वारा, चाहे नेता हों चाहे दूसरे लोग हों, सारे लोग हमारे पीछे पड़े वो शुरू कर दो। इनने चुनाव नज़दीक हैं, 4-6 महीना बचे हैं, तो सब जनता जनार्दन से निवेदन है और समस्त पत्रकार भाइयों से भी निवेदन है कि हमारा आप सबसे निवेदन एक हाथ जोड़ के हैं कि कम से कम सच्ची चीज़ों को दिखाओ, इतनी झूठी चीज़ें मत दिखाओ जो सत्य नहीं है। विधायक जी, जेल प्रहरी सुना है कि वो पहले सुबह आवेदन कोर्ट में आवेदन देने से पहले आपके पास भी आया था, किस काम के लिए आया था? हम अपने घर से हमारे हिनौता जा रहे थे, हमारे ककिया ससुर ख़त्म हो गए थे, तो उनकी 13 महीने हम जा पाए थे, दिन में गए थे, तो हमने कि यार आज सवेरे से अपन चलो घर है, कक्का के घर है बैठ ले, भी देवर जी को फ़ोन आओ कि भाभी आ रहे हैं, हमने हाओ आ रहे हैं भैया। तो हम रास्ता में तैसे गए तो जी बगल में बिल्कुल हमारे घर के आगे बढ़े तो वो हमें सामने से आओ तो उन्हें हमें रोको हाथ दे के, तो हमने गाड़ी रोक ली, हमने बताओ भैया क्या काम है, हमें नहीं तो पता कि जो पहरी आए कि अटैच है कि कहाँ का है, जो तो हमें आज जानकारी चली कि जो अटैच है भोपाल में, तो हमसे कहने लगे कि दीदी हमारे लाने दमू में मतलब करवा दो आप, हम भोपाल में अटैच हैं। तो हमने उससे बोली हमने भैया के अब ट्रांसफर नहीं हो रहा है और तुम अटैच हो तो तुम तो जाके डीजी से बात कर रखे उनसे और इतने जाके तय आ सकते, इनमें हमने की गृह मंत्री की भी ज़रूरत नहीं है और हमने ट्रांसफर अब नहीं हो रहा है और हमारा लेटर तुम्हें चाहना हो तो हमारा लेटर ले जा लिखे हम देंगे ना, तो हमारा लेटर पे करवा सको तो करवा लियो, लेकिन हम नहीं करवा पाए क्योंकि अब ट्रांसफर बनासफर नहीं हो रहा है, स्पष्ट रोक लगी है। तो वो है तो चलोगा और हम अपने घर अपने गांव से अपने हिनौता चले गए, हमें नहीं है मालूम कि जो फिर बाद में क्या कर रहा और कई ने जी हरकतें की।